हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप 007। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग जो इनकम टैक्स का जो पोर्टल होता है, मतलब ITR फाइल करने का जो पोर्टल, उस पोर्टल में हम लोग DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे रजिस्टर करते हैं, तो उसको ऐड कैसे करते हैं, तो यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा और वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्योंकि आप लोग जब तक ये DSC को रजिस्टर नहीं करते ITR पोर्टल में, तो ITR पोर्टल में आप लोग DSC को एक्टिवेट जब तक नहीं होता तब तक उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब आप लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे ITR पोर्टल में। तो कोई भी पोर्टल में जाने से उसको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, तो ये मैं दिखाऊंगा ITR पोर्टल में इसको कैसे रजिस्टर किया जाता है। तो आप लोग अगर मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट्स करके बोलिए कि दूसरा वीडियो में क्या लाना चाहिए। जो भी आप लोगों को कमेंट्स करना है आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना है वो है इनकम टैक्स पोर्टल खोल लेना। देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल में, ये इसमें जो स्क्रीन में दिखा रही है, इसमें क्लिक करने से आपका आ जाएगा। तो मैं पहले से ही इनकम टैक्स पोर्टल को खोल के रखा हूँ। तो इसमें क्लिक करने के आपका जब इनकम टैक्स पोर्टल आएगा तो उसमें आपको पैन नंबर देना है, उसके बाद आपको पासवर्ड दे के आपको अपना पोर्टल के अंदर में पोर्टफोलियो के अंदर घुसना है। तो उसमें जाने के बाद आपको देखिए राइट साइड में जहाँ पर आपका नाम दिखाएगा तो वहाँ पे आप क्लिक करिए। तो वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ये माय प्रोफाइल में आपको जाना है। तो माय प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको देखिए रजिस्टर DSC बोल के, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए दिखाया क्या VU सर्टिफिकेट बोल के। मगर आपको जब नहीं होगा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जाके जैसे टू रजिस्टर्ड है न्यू DSC, तो ऐसे ही आपको दिखाया गया। तो यहाँ पे क्लिक करना है। और सबसे पहले मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर पहला बार मतलब फर्स्ट टाइम आप अगर इसको रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड EM साइनर यूटिलिटी, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि इसको डाउनलोड करने के बाद ही ये आप सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो आपको ऐड करने में दिक्कत होगा। तो इसको आपको डाउनलोड करना ही है। तो ये अपना जो है ये डाउनलोड करने के बाद आप उसको रन करेंगे तभी उसको ये आपका जो DSC सर्टिफिकेट है इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद न्यू DSC जैसे होता है क्लिक कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए आपको वो डाउनलोड करने के बाद ऐसे ही जब क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, देखिए यू आर रजिस्टरिंग DSC फॉर पेन। यहाँ पे देखिए आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड EM साइनर यूटिलिटी, जो मैं बोला था कि फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए आपको डाउनलोड करना ही है। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो DSC सर्विस दिया था मतलब सर्विस प्रोवाइडर, जो यहाँ पे आपका देखिए ऐसा सर्टिफिकेट का नंबर आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको देखिए सर्टिफिकेट का और एक नंबर आएगा, सर्टिफिकेट का नंबर प्रोवाइडर नंबर पहले आ गया, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको देना है। देने के बाद आपको यहाँ पे साइन में क्लिक करना है। देखिए तो मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ तो इसलिए मेरा नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद साइन करेंगे तो आपको यह दिखाएगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बोल के दिखाएगा। तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बोल के दिखाने के बाद आप फिर इस एक बार यहाँ इस आपका जो प्रोफाइल है ये प्रोफाइल को एक बार लॉगआउट कर देंगे। उसके बाद आप फिर प्रोफाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर्ड DSC से काम कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि दूसरे को भी काम में है, और कमेंट्स करके बोलिए कि दूसरा वीडियो किस टॉपिक्स में लाना चाहिए।